साले आप प्रीति शर्म करो, क्यों अपने रूप के दुश्मन हो रही हो, बहुत बुरे लगोगे दुल्हन बन के। वो उसकी फ़ोन कॉल पाते ही भड़क उठा तो दूसरी जानिब साले ने हंसना शुरू कर दिया। क्या है खान, अभी से इतनी रोमांटिक गुफ्तगु शुरू कर दी, पहले बात तो सुन लो। फिर से शॉपिंग के लिए जाना होगा तो मेरी तरफ से मुकम्मल इनकार है, शादी को दिन ही कितने रह गए हैं, कुछ तो अपने मेरे दरमियान चार्म रहने दो। वो तो जैसे भरा बैठा था। ओए होए, वो तनसिया अंदाज में बोली, पता नहीं जनाब किन खुश फहमियों का शिकार बने बैठे हैं, एक ज़रा सी फोन कॉल के अमीली मौसूफ सातवें आसमान पर जा बैठे हैं, खबरदार जो मेरा शोहर बनने की कोशिश की तो। आखिर में उसका अंदाज डांटने वाला था, वो अपना गुस्सा भूल के हंस दिया। अब जो मनसब मिल रहा है उसी का रोल अदा करूँगा। अब आयो ना लाइन पर, अब शॉपिंग के लिए मत कहना, मैं वाकई शादी के दिन तक तुमसे नहीं मिलना चाहता। वो संजीदा था। उफ शमील खान, मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धू समझती थी मगर अंदर से तुम भी पूरे हो। वो हल्की सी हंसी के साथ उसे छेड़ते हुए बोली तो शमील उस खिताब पर बदक उठा, शट अप, अरे डांटना भी आता है तुम्हें, वो उसे छेड़ रही थी। एक बार तो मिल लो मुझे, फिर बताऊंगा कि क्या क्या आता है मुझे, शमील ने दफतन दांत पीस कर कहा तो जाले का खनखनाता हुआ कहका उसकी समातों में रस खोल गया। अब तो बहुत जल्द तुमसे मिलना पड़ेगा शमील खान, वो मध्यम लहजे में कहते शमील खान को अजीब से एहसासात का शिकार कर गई। अपनी इसी मغلوب सी कैफियत ने उसे खुश्क मिजाजी दिखाने पर मजबूर कर दिया। अब अगले आधे घंटे में फ़ोन करने का मकसद बता दो वरना मैं लाइन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। फजूल आदमी, डैडी जहेज का सामान भिजवाने से मुतालिक पूछ रहे हैं कि कहाँ भिजवाएं, हवेली या कहीं और। जाले ने फ़ौरन असल मकसद बयान किया तो इत्मीनान से बोला, जहेज तुम नहीं लाओगी बल्कि मुझे बाबा ने जहेज में वेल फर्निश्ड कोठी दी है जिसमें तुम रुख्सत होके जाओगी। फिर भी शमील, तुम्हारे घर वाले, वो उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगी थी कि शमील उसकी बात काट गया, सिर्फ तुम साले अफरीदी मेरे घर में डोली में से उतरोगी एंड दैट्स ऑल। उसका अंदाज इस कदर कतीत लिए हुए था कि जाले को मजीद जिद बेकार लगी। शुक्र है तुम्हें मेरी तो चाहत हुई, जाले ने गहरी सांस भरी तो वो मानी खेजी से बोला, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं कुछ इनकशाफात में, कुछ भेद भरी हकीकतों के खुलने में, हैरत ज़दा रह जाओगी साले अफरीदी। ओके खान, लगता है तुम्हारा दिमाग गर्म होने वाला है, फिर बात होगी, वो दफदन ही हंसते हुए बोल उठी थी। शमील खान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। जाले अफरीदी, वो खुल के मुस्कुराया था, तो पा ही लिया तुमने मुझे और मैंने तुम्हें, एक सरशारी किसी कैफियत उसका घेराव करने लगी तो सर कुर्सी की पुष्ट पर टिकाते हुए उसने आंखें मोंद ली। वो झुंझला रहा था, खुद से उलझ रहा था, लड़ रहा था दुनिया तो क्या, वो खुद से नाराज फिर रहा था। ये क्या हो गया है, पहली का कैफियत तो बेयकीनी की थी। उसने सब अमीर के महकते पर इल्ताफ वजूद को अपने इस कदर करीब पाकर भी उसे नज़र का धोखा समझ डाला, मगर फिर एहसास हुआ कि ये कटल हकीकत थी, शायद मामा के बच्चे की ख्वाहिश का असर। उसने खुद को बरी उज़मा करार देने की एक मजबूत तावील घड़ना चाही मगर दिलो जहन पर छाई खुमार की हल्की सी कैफियत ने शिद्दत से इस तावील को रद्द डाला। जिस वारफ्तगी और अपनाइत से तुमने उसे अपनाया है नौफिल अहमद, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की शोरीदा सरी थी और बस, इस बेकरारी में बेखुदी का शाइबा था ना के धोखे का। तुमने चाहत को निभाया है नौफिल अहमद, मजबूरी को नहीं। उसका दिल तो अव्वल रोज़ से बागी था ही मगर अब जहन भी इसी की तायद किए जा रहा था। वो सर हाथों में थाम कर बैठ रहा। वो तो सब अमीर को अपनी चाहत अपनी मोहब्बत की भिनक भी पड़ने नहीं देना चाहता था और कहाँ उसे चाहतों की ओझ रखा दी। तो फिर तुम पर नौफिल अहमद, सब अमीर से हार गए, सब अमीर से। वो बहुत तकलीफ दे सोचों की जिद में था। मोहब्बत करने वाले जब शिद्दत से मोहब्बत की नफ़ी करते हैं तो ऐसी ही तकलीफ का शिकार होते हैं। सबा प्लीज़, ये मेरा सूट भी प्रेस कर देना। वो स्त्री स्टैंड पे खड़ी प्रेसिंग का काम निपटा रही थी जब नगीन ने आकर सुस्ती से कहा। सबा ने एक नज़र उसके हाथ में लटके सफ़ेद सूट पर डाली और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ होते हुए बोली, तुम्हारे तीन चार सूट मैंने प्रेस कर दिए हैं, उनमें से कुछ पहन लो। ये पहनूंगी मैं। नगीन ने हैंगर्स पे लटके कपड़ों की तरफ इशारा किया, बेहद खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइंस के गर्म सूट थे, तुम्हारे ही हैं, तुम्हारी वार्डरोब में पड़े थे, मैंने सोचा प्रेस कर दूं, कब से इन्हीं दो जोड़ों में फिर रही हो।
सबा अब भी इसी मसरूफ अंदाज में बोली तो नगीर ने कतियत से कहा, मैं अब कलर्स नहीं पहनती, तुम मुझे यही सूट प्रेस करके दो। क्यों भई, रंगों से क्या दुश्मनी चल रही है तुम्हारी? सबा ने इस्त्री बंद करके उसकी तरफ मुड़ते हुए मस्नूई हैरत से पूछा तो वो आजदा होने लगी। रंग तो अनस के होने से थे सबा, हंसी, खुशी, तमानियत सब उनके होने का दूसरा नाम थी। अब वो नहीं है तो जिंदगी बेरंग से फकत आंसू, गम और बेसकूनी है। उसकी आवाज़ रुंधने लगी थी। खबरदार खबरदार जो तुमने एक आंसू भी बहाया तो। सबा ने सख्ती से उसे टोक दिया। क्यों, अब गम में रो भी नहीं सकती मैं? वो जैसे और दुखी हुई थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ की रुखसारों पर गिरने लगे। बस करो नगीन, खुदा को भी इतनी नाशुक्री पसंद नहीं। गम करो मगर एक हद तक, फिर सबर का मकाम आ ही जाता है। इसी गम की शिद्दत ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है, कभी सोचा है तुमने? सबा ने दुख की कैफियत में घिरते हुए उसे आईना दिखाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। सही कह रही हूँ, जाने वाले तो चले जाते हैं मगर जो रह जाए उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मगर ना खुदा उनका साथ भी छीन लेता है। सबा ने संजीदगी से कहा तो वो पता नहीं उसकी बात समझी या नहीं, मगर आगे बढ़कर अपने हाथ में थामा सूट इस्त्री करने लगी। सबा गहरी सांस लेती सौलिया बेगम के हैंग किए हुए कपड़े उठाकर वहां से चल दी। सबा को ले जाकर शॉपिंग करा देना और जारे के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट, बल्कि शमील के लिए भी। सौलिया बेगम नौफिल से कह रही थी, मैं पहले वाले कपड़ों में से ही कुछ पहन लूँगी मामा, बहुत एहतमाम से तो जाना नहीं है, बल्कि जाना भी मजबूरी ही है। सबा ने उनके पास बैठे हुए संजीदगी से कहा तो उन्होंने कुछ सोच कर इस बात में सर हिला दिया, फिर बोली, जाले और शमील के कुछ जोड़े बना लेना मेरी तरफ से, और गिफ्ट जो तुम लोग देना चाहो तुम्हारी मर्जी है। जी मामा। नौपिल उठ खड़ा हुआ। वो तो यूँ भी आजकल सबा के साय से बच रहा था और वो कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, अव्वल रोज़ से ही उसके गुरेज को पा गई, मगर वजह जानने समझने से फिलहाल कासिर थी। उसे यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि नौफिल अहमद के किस रूप को सही समझे, उसके कुर्ब में अस खुद बारकतगी थी, बिनावट के दुख या धोखा नहीं था। फिर क्या बात थी कि वो उससे गुरेजा फिर रहा था? वो अगर गुज़िश्ता तलखियों को भुला कर उसकी तरफ बढ़ा था तो अब अपनी मेहरबानियों के पर समेट क्यों बैठा था? वो गर्मा गर्म चाय का भाप उड़ाता मग लिए बेडरूम में आई तो वह बेड पर औंधा पड़ा इस्तरारी अंदाज में पाँव हिला रहा था। चाय ले लें, सबा ने नरमी से कहा तो उसके पाँव की हरकत रुकी, मगर ना तो वो पलटा और ना ही कोई जवाब देने की कोशिश की। वो मुतजब्जब सी खड़ी रही। ये चाय, उसने फिर से कहना शुरू किया था कि वो तलखी से उसकी बात काट गया, कहीं रख दें, साबे हयात को पी लूँगा। वो सन्नाटों में घिरने लगी। किस कदर अजनबी लगा था यह लबो लहजा समातों को, परसों रात के नौफिल अहमद से बिल्कुल जुदा। वो तो शायद कोई और था, उसके कानों में मीठी मीठी सरगोशियाँ करता, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता। उसने चाय का मग साइड टेबल पर रख कर कवर कर दिया। वो उठ बैठा था। सबा बहुत हिम्मत करते हुए उससे कुछ फासले पर टिक गई। तबीयत तो ठीक है आपकी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? उसने तेवरियाँ चढ़ाई। सबा ने पल भर के तवक्कुफ में जैसे कुछ सोचा था फिर बड़े दोस्ताना अंदाज में बोली, नौफिल, आपको नहीं लगता कि जितना आप खुद को मखफी रखने की कोशिश करते हैं उतने ही खुलते जाते हैं मुझ पर? नौफिल को लगा उसने कोई खंजर चला दिया हो। क्या मतलब है आपका? तेज लहजे में कहा तो शायद यही ख्याल हो कि वो झिझक कर चुप कर जाए, मगर वो उसके हर अंदाज की आदी हो चुकी थी। इत्मीनान से बोली, मतलब तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं नौफिल अहमद, जितना आप जज्बात को आश्कार होने से बचाते हैं उतना ही मुझ पर खुल खुल कर जा रहे हैं। आप अपनी हद में रहिए, वो भड़का था मगर वो नहीं रुकी। आप अपने नफ्स के ग़ुलाम होते तो अब तक कितनी ही बार हमारे माबेन मौजूद फासले समेट चुके होते। आपको मोहब्बत ने मेरे आगे झुकाया है नौफिल, वो मोहब्बत जो आप मुझसे करते तो हैं मगर मुझे उसकी भिनक तक नहीं पड़ने देते। शायद आपकी इज्जत नफ्स एतराफ़ करना गवारा नहीं करती, मगर मैं अच्छी तरह जान गई हूँ, हवा में तीर चलाना तो कोई आपसे सीखे। लम्हों की भूल को मोहब्बत का नाम मत दें। वो सफाफकी पर उतर आया तो उसके जज्बात का भी ख्याल नहीं किया। सबा धीरे से मुस्कुराई, किसे फरेब दे रहे हैं नौफिल, मुझे या खुद को? नौफिल इस तराबी कैफियत में घिरने लगा। ये नाजुक सी छोई मुई सी लड़की उसकी शख्सियत को बेनकाब करने के दर पे थी। पहले ही वो अपनी बेखुदी पर खुद से छुपता फिर रहा था और अब वो जैसे आईना लिए सामने आ बैठी थी
और ये बात नौफिल अहमद से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप खुश फहमियों का शिकार बने रहना चाहती हैं तो आपकी मर्जी सब अमीर, वरना आपकी अहमियत मेरे लिए वही है जो अव्वल रोज से थी, ना उससे कम और ना ज़्यादा। वो जैसे दांत पीस कर बोला तो सबा मुतबराना अंदाज में मुस्कुराई। फिलहाल आप चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। याद दहानी का शुक्रिया। वो वहाँ से उठ कर चला ही गया। सबा मुतासफाना अंदाज में हंस दी। पता नहीं नौफिल अहमद किससे भाग रहे हो तुम, मुझसे या खुद से? ऐसी कौन सी नफ्सियाती गिरा है जिसे ना तो खुद सुलझाते हो और ना ही मुझे सुलझाने की इजाज़त देते हो? वो उदास होने लगी। ये आपकी चाय? मोहित ने हैरान होकर पहले कप और फिर कप वाली को देखा। एक निगाह घड़ी पर डाली, वहाँ पूरे 5:30 बज रहे थे। वाकई चाय का टाइम तो हो चला था, मगर ये इनकलाब चाय और जोहा मीर? उसने खामोशी से चाय का कप थाम लिया। दरअसल सब चाय पी रहे हैं, आप सो रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैंने सोचा आपको चाय दे दूं, चीनी एक चम्मच ही डाली है मैंने। वो वजाहतों पर वजाहतें दिए जा रही थी। मोईद मुतहैयर था मगर फिर भी बज़ाहिर नरमी से बोला, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल करने का। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वो मुस्कुराई। मोईद की जगह कोई और होता तो शायद बेहोश ही हो जाता। जोहा मीर का ये रूप ही इतना गैर मतवक्के और अनोखा था, मगर मोईद सिर्फ उसे गहरी निगाह से देख कर रह गया। वो वहाँ से खुद को लानत मलामत करती और रहीमा के मशवरों को कोसती हुई निकली थी। यानी कि हद हो गई, अब जोहा मीर को मोईद हसन के आगे पीछे फिरना पड़ेगा। उफ, उसे इस सोच ही से जी भर के गुस्सा आ रहा था। मुठियाँ भेजे वो इधर से उधर टहल टहल कर अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश में थी। लाहौल ला वला, 101 तरीके हैं लोगों से निमटने के और यहाँ मुझे मोईद हसन से मुकाबला करने का ढंग नहीं आ रहा। बस एक बार सब मेरा फरमा बरदाना रूप देख लें, उसके बाद मोईद हसन और वीरा का किस्सा उसी का पोल खोल देगा। काश ये सब मोईद हसन की चापलूसी के बगैर हो जाए। उसने गहरी सांस भरी। काश इम्तिहान में कामयाबी, बैरून मुल्क का वीज़ा लगवाना हो, मन की मुराद पाना हो या संग दिल महबूब को अपने कदमों में झुकाना हो तो मेरे बाबा जी झंडे वाली सरकार से रब्ता करो। आप ही यूं काश काश करने से कुछ नहीं होने वाला। वजदान ने आते ही अपनी दुकान खोल ली थी। जोहा को इस मुदाखलत पर गुस्सा तो आया, मगर संग दिल महबूब को कदमों में झुकाने वाली बात ठा करके दिल पर लगी। उसने वजदान को घूर के देखा। अभी तक तुमने ये फजूल चक्कर नहीं छोड़े? जब तुम्हारा कोई बड़ा मसला सुलझाऊंगा तब तुम्हें यकीन आएगा। वजदान ने उदासाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा तो वो उकता कर बोली, मेरा सबसे बड़ा मसला तो फिलवक्त मोईद हसन है, उन्हें कदमों में झुकाना है। वो पुरजोश हुआ, नहीं गायब करना है, कर सकते हो? जोहा ने संजीदगी से पूछा तो वो ढीला पड़ गया। आप ही तुम बस उल्टा सीधा ही सोच सकती हो, कभी जो ढंग की बात की हो। शर्म करो, बात करने का तरीका देखो अपना, पूरे 2 साल बड़ी हूँ तुमसे तो इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? वो ढिठाई से कहता सोफे पर नींद दराज हो गया। कुछ सोचकर वो उसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, वैसे वज्जी तुमने एक बात नोट की है वीरा के मुतालिक? एक नहीं 100 कहो, वो बहुत अच्छी नेचर की मालिक है, बातें बहुत अच्छी करती हैं, कुकिंग में मास्टर हैं, चाय बहुत अच्छी बनाती हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो हर वक्त मेरे दोस्तों के लिए चाय बनाने को तैयार रहती हैं। वजदान शुरू हुआ तो जहाँ आंखें मुँह खोले उसे देखती ही रह गई। वो रुका तो उसे शदीद गुस्सा आया। यूं कहो कि इस आखिरी पॉइंट की वजह से तुम्हें उसमें 100 खूबियां दिखाई दे रही हैं जो शायद उसमें सिरे से हैं ही नहीं। आप ही तुम तो चुप ही रहो, बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा, वजदान ने बदलिहाजी से कहा तो जोहा ने उसे घूरा। तब वो सुलह जयाना अंदाज में पूछने लगा, अच्छा तुम बताओ तुमने जो सिर्फ एक बात नोट की है वो क्या है? उसकी तवज्जो पाकर वो पुरजोश से होकर बोली, मैंने ये बात नोट की है कि वो गैर होकर यहाँ ऐसे रह रही है जैसे ये हमारा नहीं उसका घर हो। भला किस बलबूते पर? मोहित भाई का रेफरेंस क्या कम है आप ही? वजदान ने इत्मीनान से कहा तो वो ड्रामाई अंदाज में बोली, वो आई तो मेहमान बन के थी मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इस घर की मेज़बान बनने के चक्रों में है। तो अच्छा है ना, जब तक वो इस घर में रहे उसे अपना घर समझ के रहें, वजदान ने कहा तो जोहा चिढ़ गई। जो मैं कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करो गधे, और जो मैं कह रहा हूँ वो तुम समझने की कोशिश करो गधे की आपी। वीरा आपा बहुत अच्छी हैं और अगर तुम उनकी सलाहियतों से जेलस होकर मुझे उनसे मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रही हो तो यू आर फेल,
क्योंकि वो है ही बहुत अच्छी। वजदान ने बेहद इत्मीनान से कहा तो ज़ोहा का जी चाहा उसे कस के थप्पड़ लगा दे। किस कदर खबीज था, लग रहा था जैसे वाकई उसके मौकिल उसे ज़ोहा के दिल की खबर दे गए हों। दफा रहो तुम, और जब वो मोहित हसन को लेकर फरार हो जाएगी तब फिर देखते रहना उसकी खूबियों की लिस्ट को। खुदा को मानो आप ही, वजदान बेख्तियार सीधा हो बैठा। क्यों उल्टा सीधा भाग रही हो? ना तो मोहित भाई ऐसे हैं और ना ही वीरा आपा, बल्कि वो तो मैरिड हैं और मोहित भाई का तुमसे क्या रिश्ता है वो शायद तुम भूल चुकी हो, मुतासफाना अंदाज में कहा तो वो अपनी ज़ात पे जोर देते हुए। वही रिश्ता तो नहीं भूली हूँ, जब ही तो इतनी बोल रही हूँ, इधर वो उधर वो वीरा भी है ना तुम्हारी, अपने शोहर से तलाक ले रही हैं, उसने जैसे धमाका किया था। बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। अलबत्त ये ज़रूर कहूंगा कि वो दोनों ऐसे नहीं हैं जैसा तुम अपने फजूल दिमाग से सोच रही हो, और अगर तुम आइंदा भी ऐसी फजूल बातें करती रही तो मैं सब कुछ साफ लफ्ज़ों में अब्बू को बता दूंगा। वो कतियत से बोलता ज़ोहा को जहर से ज़्यादा बुरी चीज़ लग रहा था। वक्त आने तो फिर पूछूंगी तुम्हें। वो तलमलाती हुई उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तो वजदान गहरी सांस भरता वहीं सोफे पर लेट गया। वो सभा की तरफ आया तो रास्ते ही में अदीना ने उसे रोक दिया। कहाँ होते हो अमात, मिलते ही नहीं, वो शिकवा करने लगी। अमात मुस्करा दिया। फ़ोन पर रोज़ाना आधी मुलाकात तो हो जाती है। कम ऑन, फ़ोन कॉल मुलाकात का नामुल बदल थोड़ी हो सकती है, वो नाराज़गी दिखा रही थी। बस ज़रा मसरूफियत रही, मगर देखो आज फुर्सत मिलते ही चला आया हूँ, वो उसे बहला रहा था। अदीना को कुछ ख्याल गुजरा, सभा से मिलने आए हो? जाहिर है, वो मुस्कुराया। जहन के पर्दे पर एक और चेहरा दिखाई दिया, मगर वो सर झटकता अदीना की तरफ मतवजा हो गया जो कह रही थी सभा तो शॉपिंग पर गई है, इससे तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो चलो आज आंटी ही से मिल लेता हूँ, अमाद ने कहा तो वो उसका हाथ थामते हुए नाज से बोली, आज तुम तो मेरी मेज़बानी से लुत्फ़ उठाओ, बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। फिर कभी सही अदीना, अभी इतना वक्त नहीं है, अमाद ने उसे टालना चाहा मगर वो नाराज़ होने लगी। अभी तुम सभा से मिलने जाते तो क्या इतनी देर भी ना रुकते? उफ, वो एक तो तुम ज़िद्दी बहुत हो, अमाद को हार माननी ही पड़ी। अभी आपने मेरी ज़िद्द देखी ही कहाँ जनाब, वो हंसी और उसे साथ लिए नैक्सी की तरफ चल दी। उसे ये भी खदशा था कि कहीं बातों की आवाज़ सुनकर अंदर से सभा ही झांक ले, जिसे अपने तेव वो शॉपिंग के लिए भिजवा चुकी थी। ज़रीना बेगम भी अमाद को देखकर बहुत खुश हुई, उन्होंने ही उसके लिए चाय बनाई। अदीना बैठी बातें ही बिगाड़ती रही। अमाद को उसके नाज नखरे बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। एक घंटे के बाद जब वो वहाँ से निकला तो शाम पड़ हो रही थी। वो अंदर जाने का इरादा मुलतवी करता वहीं से गाड़ी लेकर निकल गया। नौफिल अहमद ने गाड़ी में अमाद की बहुत वाजे झलक देखी थी। वो अंदर आया तो पहला टकराव सभा ही से हुआ। चाय पियेंगे? सभा ने पुरमोहब्बत निगाह उस पर डाली। नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी सर्द मोरी किसी और को तो नहीं मगर सभा को बहुत अच्छी तरह महसूस होती थी। वो दिन महसूस कर रह गई, जाने कैसी गुथियाँ थी इस शख्स के जहनों दिल में, जिन्हें ना तो वो खुद सुलझाता था और ना ही उसे सुलझाने की इजाज़त देता था। मगर आज सोने से पहले उसका इस्तफसार सभा को अलर्ट कर गया। शाम को कौन आया था, कब, कोई भी तो नहीं, जैसा सरसरी सवाल था। सभा ने जवाब भी उसी अंदाज में दिया और तकिया सीधा करने लगी। मीर हाउस वालों में से कौन आया था? आपकी बार किए जाने वाला सवाल ने सभा को मतवजा होने पर मजबूर कर दिया। कोई भी नहीं आया, आपसे मिलने भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? सभा कदरे हैरान हुई तो वो उसी अंदाज में बोला, आप बच्ची नहीं है कि मैं आपको डिटेक्ट करता फिरूँ, खुद समझ रही हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सभा मीर, मुझे बेवकूफ़ समझ लें या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें, जो खेल आप खेल रही हैं ना, मैं उससे अव्वल रोज़ से वाकिफ़ हूँ। वो उसकी बेनियासी पर सुरगा तो सभा की आंखें हैरत से फैलने लगी। ये कैसी पहेलियाँ कह रहे हैं आप, सीधी तरह बात क्यों नहीं करते, वो उलझ कर पूछने लगी। नौफिल चंद लम्हों तक तेज़ नज़रों से उसे देखता रहा। अमाद आया था यहाँ? नहीं, उसके सवाल के जवाब में सभा ने सोचे बगैर सच बता दिया तो नौफिल अहमद के अंदर फिर से जहर घुलने लगा। वो यहाँ आया था मोहतरमा, आपसे मिला भी, लेकिन आप फिर भी मुनकिर हैं। मैं भला क्यों मुनकिर होने लगी, अगर वो आए होते तो भला आपसे छुपाने वाली इसमें ऐसी कौन सी बात थी। सभा का मारे तहैयर के बुरा हाल था, अब यह कौन सा नया बाप खोल बैठा था वो। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सच कब बोलना शुरू करेंगी,
वो तलखी से कहता, सबा का जब्त आजमा क्या, जब आप सच्चे हो जाएंगे खुद से भी और मुझसे भी। वो भी कदर गुस्से से कहती, अपनी जगह पर दराज हो गई, खुदा का शिकर शुक्र है मेरे कोलो फेल में कोई तजाद नहीं। वो फिलफोर बोला तो सबा ने जल कर कहा, तजाद का असल मतलब ही मैंने आप जनाब की बातों से पाया है, झूठे को सारी दुनिया ही झूठी लगती है। वो इत्मीनान से बोला था, मुझे किसी से कोई चोरी नहीं और ना ही खुदा के सिवा किसी का डर है कि मैं खामखा झूठ बोलती फिरूँ। और रही बात अमाद भाई की, तो अगर वो मुझसे मिलने आए भी होते तो मैं बतौर ख़ास आपको तो कभी भी नहीं बताती। सबा उसकी बातों पर सुलग उठी, नौफिल ने सुर्ख होती आंखें उस पर जमाई, तो फिर अब कोई फैसला भी क्यों नहीं कर लेती। क्या कैसा फैसला? सबा का दिल ज़ोर से धड़का, अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजारने का फैसला, इस अनचाही ज़िंदगी से छुटकारा पाने का फैसला, कुछ मेरी सांसें भी आसान होने दें। वो सर्द मोरी से बोला तो सबा को लगा वो सरतापा बर्फ़ से ढक गई हो। ये कैसा सरबस्ता राज था, अभी चंद रोज़ पहले ही तो वो पूरे चांद सी रात आई थी, जब उसके पूरी तरह से नफी होते वजूद को नौफिल अहमद ने आकाश पर जा बैठा था। उसे उसके होने का एहसास कुछ इस तरह से दिलाया कि वो ज़िंदगी की सच्चाइयों पर ईमान ले आई। और अब ये आज़ादी का अज़न या फिर मौत का परवाना? और आपका उस रात का रूप, उसे मैं क्या समझूँ नौफिल अहमद, वो उठ कर बैठते हुए फनकारी थी। नौफिल की आंखों में उतरती सुर्खी बढ़ गई, वो सिर्फ मेरी माँ की ख्वाहिश थी, पता नहीं क्यों मैं वो पागलपन कर बैठा। उन्हें मेरी औलाद की ख्वाहिश है और मैं उनकी किसी ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकता। बहुत खूब, सदने के बायस वो बहुत देर के बाद बोलने के काबिल हुई। बहुत अच्छे जा रहे हैं नौफिल अहमद, आप इतने इस्तेकाक से अपना हक भी वसूल लिया और मेरे पे सौदरे के नाक भी नीची नहीं होने दे रहे। अब बताएं मुझे कहाँ जाऊँ मैं आपको छोड़कर? और अगर मुझे यूँ वज़न आज़ादी ही देना मकसूद था तो फिर उस रात वो खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? औलाद तो कोई भी औरत पैदा कर सकती है, फिर मुझे आपने क्यों? तकलीफ़ के एहसास में घिर के कहते हुए उसकी आवाज़ रंद गई तो वो लेटते हुए करवट बदल गई। नौफिल अहमद ने चंद सानिये यूँ ही बैठे रहने के बाद लाइट ऑफ की और अपनी जगह पर आकर दराज हो गया। अंधेरे में जैसे उसकी तमाम तर हसियात पिघलने लगी थी। तुम्हें कैसे कहूँ सबा मीर कि अपनी तमाम तर बेवफाई के बावजूद तुम मेरे दिल में कितना ख़ास मकाम रखती हो, और कोई भी औरत मेरे लिए सबा मीर नहीं हो सकती। वो अंधेरे में खुद से एतराफ़ कर रहा था, झगड़ रहा था, मगर यह तमाम हकीकत उससे शेयर नहीं कर पाया जो उससे महज चंद इंच के फासले पर लेटी अपनी किस्मत पे नोहा कना थी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो आईने के सामने खड़े गीले बालों को तौलिए से खुश करते मुईद हसन की यस में बहुत बेतवज्जी थी। दरवाज़ा जैसे बहुत सोच विचार के बाद खोला गया, वो आईने में जहा मीर की शबिया देख कर हैरान तो हुआ मगर अपनी हैरत दबाते हुए बोला, इस सदी का इनकलाब है ये तो, जोहमीर को कब से किसी काम के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई। उसके तंत को जहा ने बहुत हौसले से पिया और दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए मदम लहजे में बोली, वो आपसे काम था मुझसे? वो पूरे का पूरा उसकी तरफ मुड़ आया, लबो लहजे में भरपूर तमसखर था। जहा का जी चाहा लानत के चार हर्फ भेज कर अपनी राह पकड़े, हाय मगर मजबूरी जी, दरअसल मुझे राइमा की तरफ जाना था। उसका अंदाज अब भी बहुत मुतबाना था। मुईद को उलझन होने लगी, ये जहा का कौन सा अंदाज है, कौन सा रूप है? वो जो इससे मुतनफ़र हर पल उसका त्याग पांचा करने को तैयार बैठी रहती थी, और अब ये तो क्या उमर काजमी वाला बाप बंद होने को है? वो मुतहैर था। उसकी बात के जवाब में सफाचट अंदाज में बोला, राइमा की तो शादी हो चुकी, अब उसके यहाँ जाने की क्या तुक बनती है? शादी होने से दोस्ती तो ख़त्म नहीं हो जाती, अंदर से पेचोताप खाने के बावजूद वह नरमी से बोली तो मुईद ने कहा, मगर उसकी ससुराल का मामला तो है ना, वो अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई है, सोहा ने जल्दी से बताया, मुबादा वो कोई और दफ़ा आयद कर दे। तो बच्ची कहाँ है? वकील साहब की जरा का आगाज़ हो चुका था और इधर जहा मीर जैसी मतलून मिजाज अपना जब्त आजमा रही थी। ताई जान कह रही है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए, वो भूलपन से कहने लगी तो मुईद ने उलझन आमेज नज़रों से उसे देखा, और तुम मान गई? तो और क्या करती? मासूमियत में कुछ और इजाफा हुआ। उसे इल्म था कि वो वीरा के साथ कहीं जाने को तैयार हो रहा है, ऐसे में ये उसे गोल्डन चांस लगा। मुईद ने उसे टरखाया,
अभी तो मैं फारिग नहीं हूँ, किसी से कमिटमेंट है मेरी। किसी से क्या, साफ है कि वीरा से कमिटमेंट है आपकी। अब की बार वो तीखे अंदाज में बोली तो मोहित ना चाहते हुए भी बगौर से देखने पर मजबूर हो गया। हाँ मगर तुम्हें क्या इतराज़। अब की बार मोहित ने ध्यान से पूछा तो वो इत्मीनान से बोली, मुझे क्या एतराज़ होना है, आप चाहे वीरा के साथ कमिटमेंट निभाएं या किसी एक्स वाई जेड के से। मुझे तो फिल वक्त अपने मसले का हल चाहिए, बेकार की बहस मत करो। वो नागवारी से कहने लगा था कि वो उसके बात काटते हुए बोल उठी, और अगर आपको कोई बहानेबाजी करना ही है तो अपने वालिद मोहतरम के सामने करें, जिनके सामने बल्कि सैकड़ों गवाहों के सामने आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई है। ये पहला मौका था कि जोहा ने अपने और उसके माबेन रिश्ते को इस तरह इस्तेमाल किया था। ये मुईद के लिए एक और झटका था। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें इस बात का, वो संभलते हुए तंजन बोला तो जोहा ने कहा, आ तो गया ना, मैंने सोचा कि मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन में बंधने के बाद अकेली की पतिव्रता का रूप धारे फिरूं। कुछ आँच आप तक भी तो पहुँचनी चाहिए, आप भी तो निभाएं इस बंधन की जिम्मेदारियाँ। मुईद फिलफोर बात की तह तक पहुँचा। ओहो, तो अब तुम मुझे इस तरह तंग करना चाहती हो, ये तो आपको ये गेम खेलने से पहले सोचना चाहिए था। जहाँ ने तंज किया तो वो सफा चट अंदाज में बोला, बहरहाल मेरे लिए मेरी कमिटमेंट ज़्यादा अहम है। तो फिर ये बात आकर अपने वालिद मोहतरम को बता दीजिए, मैं उन्हीं के पास बैठी हूँ, वो उसका दिल जलाने वाले अंदाज में कहती चली गई। मोहित हसन कई लम्हों तक लब भेजे खड़ा कुछ सोचता रहा। दर हकीकत उसे जहाँ पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त वो वीरा के साथ कहीं जा रहा है, फिर भी इस तरह की प्रोग्रामिंग सेट कर लेना ये इत्तफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। वो इन्हीं सोचों में उलझता लाउंज में आया तो वहाँ जहा बेगम पूरे तमतराक के साथ बराजमान थी। वो तायाजान के पास आ बैठा। लो भाई मोहित, मोहित तो बिल्कुल तैयार है। तायाजान खुश हुए तो मोहित ने एक तपती निगाह जहा की जेरे लब मुस्कुराहट पर डाली। कहाँ जाने के लिए बड़े मामू? भई जहा को अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, उन्होंने इत्मीनान से कहा तो वो दबे लफ्जों में बोला, तो इसे पहले बताना चाहिए था। तो अब कौन सा इसने अपनी रहाइश तब्दील कर ली है, वहीं रह रही है। जहा ने बड़ी मासूमियत से लुकमा दिया तो मोहित का जी चाहा उसे एक जड़ दे। कितने आराम से उसे बेइत्मीनान कर रही थी। ओफो, इसने कौन सा इतनी दूर जाना है, और वैसे भी तुम्हारा आज ऑफ डे है। तायाजान ने बात ही ख़त्म कर दी तो वो महज जी कह कर रह गया, मगर सारा गुस्सा बाहर गाड़ी में बैठकर उसने जहा पर उतारा। इतनी हिम्मत थी तो वहाँ तायाजान के सामने इनकार करते। मैंने तो एक से दूसरी बार आपको नहीं कहा, वो मुतमईन थी शादों फरहा। तुम फितनी हो पूरी, वो दांत कचकचा कर रह गया। उफ, जहा को तो मज़ा ही आ गया, वो खिलकर हंसी। अब आए ना लाइन पर, बड़े बेहे बच्चे का इमेज बनाया हुआ था आपने, अब पता चलेगी सबको आपकी असलियत। क्या क्या है मेरी असलियत, वो जैसे उसे काट खाने को दौड़ा। यही है आपकी असलियत, कभी तायाजान के सामने मेरे साथ इस अंदाज में बात करें तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जहा ने इत्मीनान से कहा। और तुम अपने मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इस बंधन में एक गेम के तौर पर नहीं बंधी हो, क्या तुम्हें भी फ़कत 2 साल गुजरने का इंतज़ार नहीं है, और अगर बड़े मामू को इस कागजी कार्रवाई कायम हो जाए जो तुम्हारे मेरे माँ बहन तुम्हारी मर्जी से तय पाई है, तो तब तुम अपने मुतालिक क्या कहोगी। वो एकदम से भड़क उठा था। तो मैंने कब मना किया है, बता दे जाकर ताया जान को बल्कि सबको कि मैं उमर कासमी के इंतज़ार में हूँ, वो उसे मजीद सुलगाने को इत्मीनान से बोली तो वह दांतों पर दांत जमा कर रह गया। जबकि उसे अच्छी तरह कलसाने के बाद जहा आराम से डैशबोर्ड में रखी सीढ़ी चेक करने लगी। आज धरती पर 2 सितारों का मिलन हो रहा था, साले अफरीदी और शमील खान अफरीदी। मोहब्बत के आसमान के वो 2 सितारे जो बाहमी कशिश की बदौलत आज धरती पर एक हो रहे थे। मन करता है आज रो पीली जंसी ओढ़ूं, जर्द बनस्ती माला पहनूं, शोह चमकता कजरा डालूं, ताज़ा ताज़ा गजरा पहनूं, मेहंदी से हर पोर सजाऊं, हंस में अपना आप बसाऊं, नैन उठा के नैन झुका के धीरे से मुस्काऊं, अपने ख्वाब किसी को देकर चुपके से खो जाऊं। ज़ाले अफरीदी बेहद खुश थी और सबा मीर बेहद हैरान। वो आज सुबह ही से ज़ाले के पास थी और इस दौरान उस पर क्या क्या हैरान कुन इनकशाफात नहीं हुए थे। पता है सबा, पिछले कितने सालों से मैं इस खान के पीछे मर रही हूँ,
और अगर कभी हाथ आया भी तो दिल की खबर नहीं होने देता था। मगर देख लो, सच्ची मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती, बिलआखिर मेरे दिल का मकी होने को जा रहा है। तुम शमील भाई से? सब हमारे तहैयर की बोल उठी। जाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मेरी कनपट्टी पर पस्तौल रखकर ये फैसला लिया गया है? वो हंसी थी, बेहद साफ शिफाफ और मुअत्तर हंसी, सितारों जैसी जगर जगर करती आंखें। वो कहीं से भी तो मोहब्बत में लिटी पिटी नहीं लग रही थी। और नौफिल, मेरा मतलब है कि नौफिल के लिए तुम्हारी फीलिंग्स? वो झिझक सी गए। जाले जोर से हंसी थी। कम ऑन सबा, अगर मैं कभी भी नौफिल में इन्वॉल्व होती तो अब तक हम शादी कर चुके होते, भला क्या रुकावट थी दरमियान में? बल्कि तुम तो बहुत बाद में आई हो, हमने तो सालों की दोस्ती निभाई है। दरअसल नौफिल और दुनिया का बशंदा था। उसकी पसंद नापसंद में बहुत शिद्दत पसंदी है। उसे सब अमीर चाहिए थी और वो उसने हासिल कर ली। जाले का अंदाज उसे छेड़ने वाला था, मगर दुखी को तो हर चोट अपने जख्म पर ही लगती महसूस होती है। उसे भी यही महसूस हुआ। नौफिल अहमद जाले को नहीं चाहता था और ना ही कभी उसका तमन्नाई रहा था, मगर फिर भी सब अमीर को उसने शिकार किया था, महज नगीन का घर बचाने और बनाने के लिए। मगर वो इसका बेखुदी में इतराफ़ पे मोहब्बत करना, वो उलझन में थी। जाले अपनी खुशी में बेहाल थी, वगरना आज हर बात खुल के उसके सामने आ जाती। उसे इल्म हो जाता कि नौफिल अहमद भी दिनों उसके पीछे पागल रहा है, उसे अपनी मोहब्बत की कसौटी पर परखता रहा है। मगर नादान था, समझता नहीं था कि जिंदगी में बहुत ज़्यादा नाप तोल करने वाले अक्सर कमी पेशी का शिकार रहते हैं। नौफिल, यार मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, दुल्हा बनते हुए शमील खान ने कोई 11वीं मरतबा कहा तो नौफिल को हंसी आ गई। फिक्र ना करो, पहली मरतबा दुल्हा बनते वक्त सभी सास नर्वसनेस का शिकार होते हैं। मगर मैं तो पहली मरतबा दुल्हा नहीं बन रहा, वो साफ कोई से बोला तो नौफिल ने कहा, पहली दफ़ा दिल में ये जज्बात जो नहीं थे, मन चाहे जिंदगी को पाने का नशा तो नहीं था। हाँ ये तो है, वो तस्लीम करते हुए कहने लगा। तब तो पूरी दुनिया को आग लगाने को दिल कर रहा था और अब ये सूरत हाल है कि दिल में एक आग भड़क रही है। यारा, मुझे तो जाले का सामना करने के ख्याल ही से घबराहट हो रही है। और वाकई शमील खान के तासरात ऐसे थे कि जिन्हें देखकर नौफिल हंसा और फिर हंसता ही चला गया। हाँ हाँ, तुम नहीं मजाक उड़ाओगे तो और कौन उड़ाएगा, यार दोस्त ऐसे ही मौक़ों के लिए तो होते हैं, शमील बुना मान गया था। अबे डफर, इतना परेशान तो अपनी शादी पर लड़कियां होती होंगी, साले तो हरगिज़ नहीं होगी, बल्कि वो तो याद कर रही होगी डायलॉग्स तुझसे जो पहली रात को बोलनी है, क्योंकि उसे पता है कि तू कितने पानी में है। चलो, शमील उसका मजाक समझकर झेंपा था। बस मेरी एक बात याद रखना शमील खान, खान की ज़िंदगी की बुनियाद बाहमी एतबार और एतमाद पर रखना, तभी ज़िंदगी की इमारत खूबसूरत और मुकम्मल बनेगी। इस पहली रात ही को गोल्डन नाइट ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी की हर रात को गोल्डन होना चाहिए। सबसे पहले मियाँ बीवी में दोस्ती, उसके बाद प्यार, और फिर खांगी रिश्ता हो तो इससे बेहतर रिलेशनशिप और कोई नहीं, नौफिल ने संजीदा होते हुए कहा तो शमील ने सर हिला दिया। मान लेता हूँ तुम मुझसे सीनियर हो, तजर्बेकार भी, ऐसी ही चिकनी चपड़ी बातें करके तुमने भाभी का दिल जीता होगा। अच्छा ये बताओ, हवेली में से कौन कौन आ चुका है? नौफिल ने यकलख्ती मौजू बदल दिया था। बाबा जान तो पहले ही से यहीं थे, बीबी जान और दो भाभियाँ आई हैं, फरमान लाला के साथ और कुछ कजन्स हैं। बस यार, बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, मुझे तो बस जाले अफरीदी चाहिए। उसकी आवाज़ ही में नहीं, आंखों में भी अपनी चाहत को पा लेने का नशा था। और आज तो वो अपनी अरूसे जहाँ को लेने जा रहा था, क्यों न बन पिए बहकता। नौफिल ने उसे नज़र लग जाने के डर से अपनी निगाह चुराई। उसके होंठों की मुस्कुराहट और चेहरे की तमतमाहट काबिले दीद थी। खुदा करे शमील खान, तुम्हारी खुशियों को किसी हासिद की नज़र न लगे और तुम हमेशा इतने ही खुश और मुतमईन रहो जितने के आज हो। उसने सच्चे दिल से उसके लिए दुआ की थी, मगर तमाम दुआएं मुस्तजाब कहाँ होती हैं, शायद नौफिल की दुआ भी वापस पलट आई थी। दो सितारों का ज़मीन पर है मिलन आज की रात, बेहद खूबसूरत धुन बजा रहा था। एजाबो कबूल के बाद निकाह का फरीजा अदा हुआ तो तमाम लोग खाने के लिए उठ गए। दूध पिलाई की रस्म में शमील ने सबा को जाले की बहन करार देते हुए गोल्ड का भारी सेट तोहफतन दिया था। आज तो उनसे दुनिया की कोई भी शय मांग लो,
उसके किसी कज़न ने शरारत से कहा तो सबा बदस्ता बोलाई, इनके पहलू में जो गरा कदर शय बैठी है उसके आगे भला इन्हें कुछ भी देने से क्यों कर इनकार हो सकता है। नौफिल ने गहरी निगाह उस पर डाली। उसकी नापसंदीदगी के बावजूद वो आज भी स्या बार्ड वाली खूबसूरत रेड साड़ी में मलबूज थी और दर हकीकत दिल में उतर रही थी, बेहद पुरवकार और दिल नशीन। वो तो निगाह डाल कर पछताया, नज़र पलटी भी तो यूं कि तशनाए लब बार बार पलट कर उसी जफा जो की तरफ उठती रही, मगर वो बेखबर थी या शायद बेखबरी की अदाकारी कर रही थी। तमाम रस्में चूंकि मेरी झोल में ही अदा कर ली गई थी इसलिए रुखसती के बाद जाले को शमील के साथ उस कोठी में जाना था जो गुलरेज खान ने तोहफे में जाले के नाम की थी। तमाम मेहमान रुखसत हुए तो बाकी सिर्फ शमील के बाबा जान, बीबी और जाले के अलावा सबा और नौफिल ही रह गई। वो लोग सीधे सजी सजाई दुल्हा दुल्हन के इंतज़ार में महो कोठी में आए जहाँ नौकरों की कतारें इस्तकबाल में खड़ी थीं। जाले को अंदर पहुँचा कर नौफिल का इशारा पाते ही सबा उठ खड़ी हुई। तुम तो ठहरो, बोर सी जाले अफरीदी भी बौखला सी गई थी। नौफिल हंसा, फिर तुम दोनों आकिल और बालिग को समझदार हो, फिर मेरी मिसिस की क्या ज़रूरत रह जाती है। बहुत खबीस हो नौफिल, बाद में पूछूंगी तुम्हें, वो दांत पीस कर रह गई। नौफिल इसीलिए बमुश्किल वापसी की इजाज़त पाकर वहां से निकला था। उफ, कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक करके शमील खान उसके सामने बिस्तर पर यूं गिरा जैसे मीलों पैदल चल के आया हो। कहते हैं कि शादी कराना बहुत आसान काम है, अभी तो इतने सारे मराहिल बाकी हैं और मेरा अभी से हाल बुरा हो रहा है, वो मानी खेजी से कहता दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे आंखें मूंदे बैठे जाले का गिर्द दिल धड़का गया। वो जिंदगी में कभी इस कदर मशरकी अंदाज में तैयार नहीं हुई थी। खूबसूरत मेकअप और जदीद अंदाज के गहनों से सजी वो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। उस पर निकाह जमाए बैठे शमील की आंखों में खुमार उतरने लगा। उसके करीब होते हुए उसका हनाई हाथ थाम कर शमील खान ने पहली मोहर मोहब्बत सब की थी। शिद्दत जज्बात से जाले की आंखें नम होने लगीं। ए खुदा तेरा शुक्र है, तू बहुत रहीमो करीम और नवाजने वाला है, उसका दिल सजदा शुक्र बजा लाया। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाहत आज पूरी हो गई थी। अब खुद से आंखें खोलोगी या मैं कुछ कोशिश करूं? उसकी शरारत से पुरावाज़ जाले को बहुत करीब से आई तो उसने आहिस्ता से पलके उठाकर शमील पर शबे जफाफ की पहली निगाह डाली। कैसा लग रहा हूँ तुम्हारा दुल्हा बनकर? वो बेहद खुश था। जाले ने बमुश्किल हंसी को मुस्कुराहट में ढाला। आज की रात तो बीबी की तारीफ की जाती है ना कि शोहर अपनी तारीफें कराता है, वो भी ज़बरदस्ती। फिर बीवी, बात यह है कि शोहर तो सारी ज़िंदगी बीवी को झूठी सच्ची तारीफें करता रहता है, कम अज़ कम गोल्डन नाइट ही में शोहर की तारीफ़ कर दी जाए तो ता उम्र के लिए इस बेचारे का मोरल हाई हो जाता है। वो शरारत पर आमादा था। जाले बेसाख्ता हंसी तो उसके करीब हुआ और वह खिसक कर पीछे, पास से देखने दोगी तो ही मुकम्मल तारीफ करूँगा ना, बेहद मासूमियत से बोला तो जाले की पलकें बोझल होने लगी। दिल इस कदर शिद्दत से धड़का के वो घबरा गई और मेरी मूदी खाई, उसे रोकने का एक ही तरीका याद आया, पूरे का पूरा शमील खान अफरीदी। वो इत्मीनान से कहता उसे तफाखर में मुबतला कर गया। अब क्या ख्याल है, थोड़ा पास आने की इजाज़त है? वो शरारत से पूछने लगा तो जाले ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा शमील। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे मेकअप की, शमील ने उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत मुठियों में जकड़ा तो जाले की जिंदगी से भरपूर खूबसूरत हंसी कमरे में गूंज उठी। इसी वक्त उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो दोनों ही चौंक गए। इसी अस्ना में दरवाज़ा फिर से बजा। ये कौन है जिसे ये नहीं पता कि आज हमारी गोल्डन नाइट है? शमील बुड़बुड़ाते हुए मजबूरन उठा था। दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा को खड़े पाकर उसे गुस्सा आया। क्या मसला है? वो जी बड़े खाना आ रहे हैं, मुलाजमा ने घबरा कर वजाहत दी तो वो मुतहैर हुआ। कहाँ? मेरे कमरे में? हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपको बता कराऊं, वो कहते हुए वहाँ से भागी थी। शमोई हैरान सा वापस पलटा। बाबाजान को इस वक्त क्या काम आ पड़ा? वो बुड़बुड़ाया था। क्या बात है? जाले ने फक्र से उसे देखा तो वो गहरी सांस भरते हुए बोला, बस जालिम मिसाज से ही शक्ल बदल बदल कर सामने आ रहा है। इसी वक्त गुलरेज खान के खनखारने की आवाज़ पर वो तेज़ी से पलटा, हम अपनी बहू के लिए कुछ तोहफा लाए हैं, वो अपने मखसूस तहकमाना और बारोब अंदाज में बोल रहे थे। जाले के होंठों पर मुस्कुराहट चमकी। आ जाओ अंदर।
उन्होंने ऊंची आवाज में कहा तो वह दरवाजे में से 20-22 बरस की बेहद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो बहुत कीमती मगर सादा लिबास में मलबूस थी। ये पलवशे हैं हमारी भतीजी शमील खान की पहली ख़ानदानी बीवी और तुम्हारी सौगत। वो बड़े इत्मीनान से तारुफ की रस्म निभा रहे थे। शमील तड़प कर उनके सामने आ खड़ा हुआ। बाबा जान ये क्या मजाक है? क्या बात है शमील खान, अपने वादे को भूल गए हो? हमें तुम्हारा वारिस सिर्फ परवशे से मंजूर है। आज की रात की तुम्हारी बीवी है, फिर जितनी चाहे रातें अपनी इस बीवी के साथ गुजारना। वो अपने दबंग लहजे में कहते शमील को खड़े खड़े ज़मीन में उतार गए। परवशे के हसीन तासुरात में एक महसूस कुन तनफ़ुर था। आंखों में बेहद हकारत दिए वो जाले के सजे सवरे रूप को देख रही थी। और जाले वो बेहद बेयकीनी से साकित खड़े शमील खान को देख रही थी, जिसकी खामोशी उसे मुजरम ठहरा रही थी। उसका दिल बंद होने लगा। वो बैठे बैठे एक तरफ को ठहर गई तो शमील खान तड़प कर उसकी जानी बढ़ा, मगर गुलरेज खान के ऊंचे लंबे वजूद ने उसकी राह में हायल होकर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ऐसे नहीं शमील खान, हम अपने कोल से फिरने वालों को इतनी आज़ादी नहीं देते, वो बेहद सर्द मोहरी से कह रहे थे।